हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं नंदकेश्वर मंदिर और हमारे साथ हैं हर्षित भाई। से हाय। हाय। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और हम लोग सुबह उठे हैं 5:30 बजे और 6 बजे निकल चुके हैं। अभी 6 बज रहा है तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट बरगी के लिए। फिर वहाँ से 5 या बरगी में स्थित है वहीं पर नंदकेश्वर मंदिर, तो आपका वहाँ व्यू भी बहुत बढ़िया दिखाएंगे। और अभी हम लोग रास्ते में ये देखो हम लोग की दोनों की फरारी रखी हुई है और आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कछपुरा ब्रिज और अभी यहाँ से बहुत दूर है। अभी हम लोग हैं ही रास्ते में, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। हाँ तो गाइस, हम लोग को नंदकेश्वर मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते मिल गए हैं। अब हर्षित भाई बताएंगे कौन से रास्ते चलना है, बताओ। एक्चुअली जो है अपन ने अभी जो रास्ता यहाँ पे सर्च करा है वो वर्गी डैम का करा है ना। हाँ, क्योंकि नंदकेश्वर जो महादेव मंदिर है वो पास में ही है वर्गी के। ओके, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे 2 रास्ते दिखा रहे हैं, एक जाएगा तेलहरी से, समझ गया, होते हुए, और एक और रास्ता है तो देखना पड़ेगा अपन को। तो गाइस बताओ कौन से रास्ते तलवार से होते हुए, तो बताओ कौन से रास्ते से जाना चाहिए। वैसे तो हम लोग नॉर्मली रास्ते से जाएंगे तेलहरी, देखते हैं कहाँ पास से जाते हैं। अगर आप जबलपुर से हैं तो आप बताइए कौन से रास्ते से जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन से रास्ते से बेटर रहेगा। वैसे तो हम लोग नॉर्मल रास्ते से जा रहे हैं और आपको आगे चल के बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। हाँ तो गाइस, हमने ये अब भी इतना बड़ा पहाड़ पार किया यहाँ से क्योंकि ये हम दोनों की माउंटेन बाइक है, बाइक यानी इन द सेंस साइकिल। तो ये देखो अंकल भी आ रहे हैं। ये देखो अंकल को कुल्ले की याद आ रही है। चलो चलो हर्षित भाई। हाँ तो कोई सभी हम लोग ज्ञान गंगा कॉलेज के रास्ते में हैं और यहाँ कांटेक्ट को मिल नहीं रहा है। एक आध जन को पकड़ेंगे रास्ते में, फिर उसकी छेड़े लेंगे जब ही मिल पाएगा कंटेंट। ये देखो यहाँ गणपति जी मिल रहे हैं। तो गाइस हम लोग मेडिकल के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो मस्त दिख रहा पोहे। कुछ टिप्पणी दोगे आप? कंटेंट दो, कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी खाएंगे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स खा लो, हम भी खा ले रहे हैं। आओ गाइस, इस लड़के से बात करो। गाइस दोस्त, ये कहाँ जाता है रास्ता? ये वाला तिलवारा। तिलवारा कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं, हम लोग भी कहीं जा रहे हैं। यहाँ से साइन वाला पड़ेगा। हाँ, साइन वाला तो सीधी सीधा है, बाकी तो पूरा सीधा ही सीधा है। जैसे बरगी जाना है तो कितना पड़ेगा यहाँ से? बरगी तो भैया बहुत दूर पड़ेगा। बहुत दूर पड़ जाएगा। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से फिर भी? 30। कितना? 30। और सुना, तुम्हारा नाम क्या है? ऋषि। ऋषि क्या यहीं रहते बरगी में? तलवारा में रहते? अच्छा, तलवारा उस पार। और बताओ कौन सा गाना सुन रहे हो? फिर भी बताओ तो। अच्छा, नए जमाने का गाना पसंद है पुराने जमाने का? दोनों दोनों। चलो ठीक है, मिलते हैं आगे, है ना। हाँ तो भाई, चीनू कोई से बात कर रहा है। ठीक है, देखो ये देखो ये देखो ये बता नहीं रहा कौन सी कर रहा है, समझ रहे हो? देखो ये भाई है कौन जो जिससे इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बताओगे जरा हम लोग को? देखो देख तक नहीं रहा है, देखो स्माइल देखो जरा भाई, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? इंस्टाग्राम चला रहा हूँ भाई, देख रहे हो? इंस्टाग्राम चला रहा है। इंस्टाग्राम में क्या चला रहे वैसे? तो रील देख रहा हूँ। समझ रहे हो? रील देख रहा है। अच्छा, ये ग्रो मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं आप स्टॉक वगैरह में? देखिए उनने भाई, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोचा है, तुम लोग को लगता नहीं है, मैं रिवील जरूर करूँगा, ध्यान रखना। मित्रों राम राम भाइयों, ज्ञान गंगा आ गए हम लोग। ये मेरा कॉलेज है, पीछे ज्ञान गंगा।
देखो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी साइकिल आप पर निर्भर है, अपने आप चल रही है देखो, क्योंकि ये ढलान है। हेलो गाइस, देखो कर्मा समझते हो ना आप लोग, तो क्या हुआ है फोन में बात कर रहा था, ऊपर से ट्रेन निकल रही है और हम लोग अभी सोन एलिजे के पास पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसा देखते हुए ये देखो चीनू भाई की साइकिल की चैन उतर चुकी है, कर्मा होता है ना वो दिखा रहा है। ये देखो चीनू भाई टिप्पणी देंगे क्या आप कुछ, सही हो गई देख रहे मल्टी हाँ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तलवारा ब्रिज और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, अब आपको सामने का फ्रंट का व्यू दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा देखना। तो गाइस हमारे जबलपुर का तलवारा का ब्रिज क्या दिखता है ये देखो, सामने व्यू देख रहे हैं आप पहाड़ का, कमेंट सेक्शन में बताओ कभी आए हो यहाँ से निकले हुए हो और आप लोगों को कैसा लगता है बताइए। और यहाँ से ट्रक वगैरह कार वगैरह बहुत फास्ट निकलती, तो यहाँ से आराम से चलें। ये देखो आप, ये देखो दादा चलते हुए। तो गाइस जबलपुर की आन बान शान माँ नर्मदा देख सकते हो आप यहाँ से, तिलवारा घाट से निकली हुई। अभी क्या है डैम से गेट खोले हुए हैं इसलिए इतना ऊपर ओवरफ्लो है। ये देखो छोटा वाला ब्रिज तो डूब ही गया है ऑलमोस्ट, दिख रहा है आपको ये। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और पानी वगैरह पी रहे हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे पहुँचे हुए 8 बज चुका है लगभग, थोड़ा लेट हो गए हम लोग क्योंकि यहाँ पे रुक गए थे हम लोग रास्ते में, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है। ये देखिए रिदिक पानी पी रहा है, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। हाँ इनकी हालत ख़राब हो चुकी है इस समय, क्योंकि हम ज़्यादा साइकिल चलाते नहीं हैं। हाँ ये बहुत कम साइकिल चलाता है इसने, एक आध साल बाद इसने साइकिल अपने घर से निकाली है। अब देख सकते हैं थोड़ी धूल वगैरह भी लगी है, दिख रही होगी आपको थोड़ी। ये देखिए मौसम हालांकि यहाँ का जबलपुर का बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया मौसम है आज। कभी भी आप साइकिल से आए तो ठान गए कि भाई पहुँचना है, हालत बहुत डाउन हो चुकी। अभी दोस्तों हम लोग को 22 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है बरगी में जाने पहुंचने के लिए, अब समझ में नहीं आ रहा जाए कि ना जाए, जाके तो रहेंगे अपने ठान लिया है तो, क्योंकि घुटने वो खुल चुके हैं खतरनाक। देखते हैं क्या होता है, हम लोग साइकिल हमको लेके आती कि हम साइकिल को लेके आते हैं। नहीं दोस्तों नहीं दोस्तों हम लोग पहुँच के रहेंगे, आज ठान लिया है हम लोग ने। हाँ तो फ्रेंड्स अब बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वही 15 किलोमीटर और बचा हुआ है रास्ते में। ये जो आप पीछे यहाँ टर्न देख रहे हैं, एक टर्न दिख रहा होगा आपको, बस यहीं से हम लोग को मुड़ना है, सीधे नहीं जाना है। ये रोड है हाईवे है मान लेते हाईवे ही तो है भाई, ये बरगी डैम का हाईवे नहीं दोस्तों, ये जो सीधे रोड गई है ये लखनऊ दौन जाती है। हाँ तो हाईवे नहीं है जी लखनऊ दौन, बरगी डैम का हाईवे नहीं है मगर तो क्या हुआ ये बता दे, एक्सप्लेन करो। ये हाईवे है मगर बरगी डैम का नहीं है, बरगी डैम की वो रोड है वो देखिए। हाँ रोड वो है ना, तो यहाँ से टर्न होता है तो ये हाईवे कहलाएगा ना, ये बरगी डैम का हाईवे नहीं कहलाएगा ना दोस्त। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ से अपन जाएंगे, दिखाओ ये देखो ये क्या, ये हाईवे नहीं है ये बताओ। ये हाईवे है मगर ये बरगी डैम का नहीं है, ये लखनऊ दौन का हाईवे। हाँ लखनऊ दौन का, लेकिन बरगी डैम के रास्ते में पड़ता है ना। हाँ, तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, नंदकेश्वर मंदिर तो बरगी डैम के पास पड़ता है मगर तो ये वो होगा ना पर मैं। हाँ तो गाइस हम लोग काली माता मंदिर पहुँच गए हैं बरगी के, और आप देख ही सकते कितना पसीना पसीना हो गए हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए। क्यों अर्षद भाई बताओ हालत, थोड़ा सा और दूर बचा है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और दूरी है बस, थोड़ा सा और दूर है बस, बिल्कुल 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर दूर और है। चलो आपको अब डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग नंदकेश्वर रोड पे जो होता है ना 1 किलोमीटर बसता है वहाँ पे हालांकि पहुँच गए हैं,
हालत बहुत डाउन हो चुकी है इसको देख सकते हो, और मेरी तो और ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि एक साल बाद मैंने 35 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। हाँ तो गाइस देख सकते हो क्या व्यू दिख रहा है बरगी डैम का यहाँ से। नंदकेश्वर मंदिर सिर्फ 300 मीटर बचा है, आपको वहाँ दिखाते हैं और फिर ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि हालत बहुत डाउन हो चुकी है। देखो वहाँ से कार आ रही है। हाँ तो गाइस हम लोग ने साइकिल यहाँ खड़ी कर दी है, अब मैं पहले दर्शन करके आ रहा, फिर हर्षित जाएगा। तो यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से बिल्कुल सामने ही पड़ता है, जय हो बोले। यहाँ से सीढ़ी पूरी, मैं ऊपर पहुँच जाऊँ फिर मैं चालू करता हूँ दिखाना आपको, ओके। हाँ तो गाइस ये है, हम लोग आ चुके हैं ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर है, इससे अंदर जा रहे हैं अपन, ये एंट्रेंस है। ये देखो आप पूरा मंदिर है, ये एंट्रेंस है अंदर जाने का, वहाँ आगे चल के दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं, ये पूरा यहाँ का ये है पूरा नंदकेश्वर का, यहाँ से एंट्रेंस है पूरा अंदर जाने के लिए। चलो ये देख सकते हैं पूरा, ये पूरा है मंदिर। ये बोले बाबा, जैसे कि आपने देखा अभी अंदर का व्यू, अब आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। ये देखो यहाँ पे मंदिर है शिव प्रभु हनुमान मंदिर। ये देखो व्यू, साइकिल से आने का यहाँ अफसोस नहीं हुआ मेरे को। ये देखो पूरा, यहाँ पे झंडा वगैरह लगे पेड़ है, और ये देखो आप पूरा यहाँ से आपको पूरा वर्गी दिखेगा। ये देखो ये पूरा बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे भी कुछ मंदिर है, ये पूरा ये देख सकते हैं आप, पानी आने का है, पानी की टंकी लगी यहाँ पूरी।